हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 11 बजे से। क्या यहाँ पे है मेरी माता श्री। तो अभी आ के हम खेत में सरसों निकालने के लिए, तो सरसों भी हो चुका है हमारा, तो अभी निकालेंगे हम सरसों। तो ये है हमारा सरसों का खेत, मतलब कि गेहूं का खेत है, तो इसमें हमने सरसों भी बो रखा है। तो अभी निकालेंगे हम सरसों। और मौसम आज मस्त हो रखा है, मस्त वाली धूप लगी हुई है। आजकल दो तीन दिन से मतलब कि मौसम ख़राब हो रखा था और बारिश भी लग रही थी, आज तो खैर मस्त वाली धूप लगी हुई है, ये देख सकते हो आप। ये है हमारा बहुत बड़ा खेत और यहाँ पे जम नहीं रखे हैं गेहूँ। ये मम्मी ने पता नहीं क्या रखा है, कशर मशर, तो यहाँ पे जम नहीं रखा है इस बार, क्योंकि ये बारिश आई नहीं तो इसलिए खेतों में कुछ जम नहीं रखा था। नीचे नीचे जम रखा है, थोड़ा बहुत इस साइड जम रखा है, इस साइड पूरा बंजर था। तो यहाँ पे मम्मी ने जैसल मशर रखा है, तो इसको जलाएंगे। तो चलो निकालते हैं सरसों, तब मिलती हूँ मैं आपको सरसों निकालने के बाद। सरसों निकाल लिया है और अब लेके चलते हैं घर। तो यहाँ पे मैंने रस्सी भी रख दिया है और इसका लेके जाते हैं भाड़ा बना के। तो यहाँ पे मैं कुछ चादर भी लाना था, पर मैं चादर लाना भूल गई, तो मैं ऐसे ही रखती हूँ इनको। इसको दिखा, तो मैं इनको ऐसे ही रखती हूँ। था मेरे को बोली थी तो खाली जा चादर लेके आना दोबारा, पर मैंने ऐसी रख दिया है क्योंकि उसने अच्छे से हो नहीं रखा है, तो नहीं निकलेगा इससे सरसों। अगर ये ज़्यादा अच्छे से होता तो निकलता इसमें सरसों, तो बर्बाद हो जाता, बट ये अभी थोड़ा बहुत हरा हो रखा है इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा भाड़ा भी लग चुका है और दरांत में मैं यहाँ पे अटका देती हूँ और अब चलते हैं इसको लेके घर की ओर। तो ये खेत में ताया ने आलू लगा रखे हैं, तो सौल बड़ा की डर से लगा रखे हैं ये कपड़े। और इस साइड है चाची का, तो चाची का तो कल खा दिया सौल बड़ा ने, अब चाची नहीं लगाएगी शायद।